मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त देश के केंद्र में कांग्रेस पार्टी चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब अपनी सांसदी गंवा चुके हैं। मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल का दोषी करार दिया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई, लेकिन 30 दिनों तक उनकी सजा पर रोक लगाई गई है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर पार्टी ने रुख किया संसद की तरफ, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को ही रद्द कर दिया नियमों के अनुसार। लेकिन अब देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोल रही है और ऐसे में मोदी सरकार पर लगातार कांग्रेस पार्टी हमला पर है। बीते दिन 1 दिवसीय संकल्प सत्याग्रह किया गया था कांग्रेस की तरफ से, और उस सत्याग्रह में महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ गौतम अडानी के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई। अब देखा जाए तो यहाँ पर कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में विपक्षी दल दिखाई दे रहा है, लेकिन कई ऐसे यहाँ पर नेता हैं जो पीएम मोदी के समर्थन में हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हाल ही में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने डंकी की चोट पर अपनी बात रखी है। पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में उन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस के लिए उन्होंने खतरा बताया है। क्या कुछ कहती है साध्वी निरंजन ज्योति, जरा देखिए ये रिपोर्ट। न्यायालय से बड़ा कोई आदमी नहीं होता, संविधान से बड़ा कोई आदमी नहीं होता है। ये 2019 का बयान है राहुल गांधी जी का, जिसमें एक समाज को साथ में लपेट करके कि सारे मोदी चोर होते हैं, ये शब्द पूरे समाज को आहत करने वाला था, ओबीसी समाज को आहत करने वाला था। और 4 साल कोर्ट ने इनको समय दिया, कम से कम कोर्ट के सामने माफ़ी मांग लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी का अहंकार कोर्ट को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कोर्ट ने सजा सुनाई है और मुझे लग रहा है कि बोलते वक्त कोई भी हो, चाहे बड़ा से बड़ा लीडर हो, किसी भी समाज को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। अब राहुल गांधी जी की तो आदत पड़ी हुई है, मोदी जी के पिताजी के लिए, मोदी जी की माँ के लिए, सारे समाज को एक तरह से अपमानित करने का काम किया। और अभी आपने देखा कि 1 महीना पहले भारत की, जिस तरह से उन्होंने भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई हैं, भारत के लोगों का अपमान किया है, विदेश की धरती में जाकर के ये कहना कि भारत का संविधान खतरे में है, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी अपनी दादी का कार्यकाल भूल गए। शायद वो उनको याद होता कि मेरी दादी के द्वारा क्या कारनामे हुए थे। एक बकरी चलाने वाला, भैंस चराने वाला, खेत में काम करने वाला, इमरजेंसी में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सबको जेल में डाल दिया था। शायद वो याद रखते कि जब गोरक्षा आंदोलन के लिए संत दिल्ली के लिए कूच करके गए थे, गोलियां चलवाई थी, तब संविधान नहीं टूटा था, तब संविधान का क्या हुआ था। शायद राहुल गांधी जी ये इतिहास याद रखते तो ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज देश का संविधान खतरे में है। देश का संविधान खतरे में नहीं, न देश की जनता का खतरे में है। देश की जनता आज भी मोदी जी के साथ है, पहले भी मोदी जी के साथ थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि मोदी जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए काम कर रही है। हाँ, खतरे में यदि कोई है तो कांग्रेस जरूर है। आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा किस तरह से यहाँ पर साध्वी निरंजन ज्योति एक बड़ी चुनौती दे दी है कांग्रेस को भी। अब देखना यहाँ पर ये होगा क्या वाकई में इस खतरे से बाहर निकल पाएंगे राहुल गांधी। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जल्द से जल्द पहुंचने वाला है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाता है ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।